नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, सभी की फेवरेट मलाई पिस्ता कुल्फ़ी। ये कुल्फ़ी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसमें जो बड़े बड़े से लच्छे होते हैं वो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आप ये कुल्फ़ी मार्केट से खाने जाएंगे तो एक कुल्फ़ी आपको आराम से 100 से 150 रुपये में मिलेगी, और उतनी सारी चीज़ तो होंगी भी नहीं जितना आप इसमें डाल के बनाएंगे। सिर्फ 1 लीटर दूध में हम ये कुल्फ़ी बनाएंगे और हमारी 7 से 8 कुल्फ़ी बन जाएंगी। इनको बनाना बहुत ही आसान है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में ये कुल्फ़ी बन जाती है। देखिए कितनी क्रीमी है, एकदम आप इसका टेक्सचर देखते ही खाने का आपका मन हो जाएगा। तो ये मज़ेदार सी मलाई पिस्ता कुल्फ़ी की रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आपको 100% ये अच्छी लगेगी। और अगर आपने एक बार इसको देखा तो बनाएंगे तो ज़रूर। देखिए लुक देखिए आप कुल्फ़ी का, टेक्सचर देखिए कितनी क्रीमी है, बहुत ही ये मज़ेदार है। सर्दियों में ठंडी ठंडी ये मलाई कुल्फ़ी खाने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। और चाकू से मैं आपको काट के दिखा देती हूँ ये कितनी क्रीमी बनी हुई है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। पिस्ता मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। मैंने अमूल का दूध लिया है, आप किसी भी ब्रांड का दूध लें लेकिन फुल क्रीम ही लें। आप चाहें तो भैंस का दूध भी ले सकते हैं, दूध आपका फुल क्रीम फुल फैटी होना चाहिए तभी बिल्कुल मलाई आपकी कुल्फ़ी बनेगी। कुल्फ़ी बनाने के लिए जो सबसे पहला टिप्स है वो यही है कि जब भी आप कुल्फ़ी बनाएं तो आप किसी बड़ी कढ़ाई का यूज़ करें, बड़े भगोने का यूज़ करें, क्योंकि बड़े बर्तन में बहुत ही जल्दी दूध गाढ़ा हो जाता है। हम ये कुल्फ़ी बना रहे हैं 1 लीटर दूध से, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रख सकते हैं। 2 चम्मच हमने पिस्ता लिए थे, 25 से 30 ये पिस्ता हैं, और ये 2 ली है इलायची। कोई भी इंडियन डेजर्ट हो, स्वीट हो, कुल्फ़ी हो, मिठाई हो, बिना इलायची के तो मज़ा आता ही नहीं है। इलायची के हमने दाने निकाल लिए हैं, इनको हम पिस्ता के साथ पीसेंगे और इसके छिलके हमने दूध में डाल दिए हैं। दूध को हमने उबलने के लिए रख दिया है, तेज़ गैस पे आप दूध को उबाल लें। और इस तरह का दरदरा पाउडर बना के तैयार कर लें। बहुत ज़्यादा बारीक इसको ना करें क्योंकि जो इसके चंक्स होते हैं जब ये मुंह में खाने में आते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये पिस्ता एकदम नेचुरल ग्रीन कलर देंगे हमारी कुल्फ़ी को, हम कोई कलर का यूज नहीं करेंगे। हम ये कुल्फ़ी बना रहे हैं पिस्ता से, आप इनको बादाम से, काजू से, केसर से या फिर बिना किसी उसके भी बना सकते हैं, सिर्फ दूध दूध से भी। ये देखिए छिलके हमने इसके अंदर डाल दिए थे, दूध में हमारे में उबाल आ गया है। जब तक आपका दूध उबले तब तक आप गैस का फ्लेम हाई पे रखें, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे दूध को धीरे धीरे पकने देना है। इसके बीच में आप अपना कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, जैसे सब्जी काटना, सब्जी छौंकना, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसके पास ही खड़े रहें। गैस का फ्लेम लो पे करके आप सिर्फ बीच बीच में हर 1-2 मिनट में इसको नीचे से चलाते रहें, और जो साइड में जो आप मलाई आएगी इसको सारी को इस तरह से कढ़ाई पे चिपकाते जाएं, किनारी पे इस तरह से चिपकाते जाएं और थोड़ी थोड़ी देर में इसको उतारते जाएं, और फिर दूसरी मलाई को फिर से चिपकाते जाएं। इस तरह से जो ये लच्छे बनेंगे ना, ये इस कुल्फ़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएंगे, एकदम रबड़ी वाला आपकी कुल्फ़ी का टेस्ट आएगा। दूध पे अच्छी सी मलाई तभी आएगी जब आप दूध को सिम गैस पे पकाएंगे। ये देखिए हमने साइड से मलाई कुरच के इसके अंदर मिला दी है, अब दोबारा से दूसरी मलाई फिर से चिपका देंगे। धीरे धीरे ये दूध गाढ़ा होता जाएगा, 15 से 20 मिनट में हमारी कुल्फ़ी बनके तैयार हो जाएंगी। जब तक हम साइड में अपनी सब्जी वब्जी भी बना लेंगे और साथ ही साथ हमारी कुल्फ़ी भी बन जाएंगी। ये दूध देखिए अभी आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है।
बड़ी कढ़ाई का यही फायदा होता है, बहुत जल्दी इसमें दूध गाढ़ा होने लग जाता है। अब इसमें डालेंगे हम ये अपने पिसे हुए पिस्ता, आधे पिस्ता हमने अभी डाल दिए हैं, आधे हम बाद में कुछ कुल्फी को गार्निश करने में काम लेंगे। और इसमें स्वाद के अनुसार आप मीठा डाल लें। मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डाली है। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि पिस्ता से भी थोड़ी मिठास आएगी और दूध भी जब गाढ़ा होता है तो मीठा हो जाता है। पिस्ता डालने के बाद एक तो कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और एक दूध और भी ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक पाउडर भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये चंक्स खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप थोड़ा सा दरदरा इसको रखें। और ये जो कुल्फ़ी बनने वाली है ना, मार्केट की सारी कुल्फ़ी चाहे वो 500 रुपए की आए, इसके सामने फेल है, क्योंकि घर की बनी हुई है। आपने अपने सामने इसमें सारी चीज़ें डाली हैं, बिल्कुल प्योर बिना किसी मिलावट के ये कुल्फ़ी बन रही है। दूध देखिए कितना कम हो गया है, कितना गाढ़ा भी हो गया है। और जो मलाई के इसमें लच्छे हैं ना, ये तो इतने मज़ेदार हैं, आप ऐसे भी इसको रबड़ी की तरह भी खाएंगे ना, फिर भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी मलाई के लच्छे आ गए हैं। बस आपको फुल फैट मिल्क लेना है या फिर भैंस का दूध लेना है। नीचे से आपको बिल्कुल कुल्फी का जो मिक्सर है इसको लगने नहीं देना, बहुत आसान है, बल्कि सबसे आसान रेसिपी है कुल्फी बनाना। थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे। कलर भी देखिए कितना सुंदर आ गया है, बिल्कुल नेचुरल पिस्ता कलर आया है कुल्फी में। और गाढ़ापन भी देखिए कितना हो गया। हर बाइट के साथ जो पिस्ता का आपको टेस्ट आने वाला है बहुत ही वो ज़बरदस्त लगेगा। अब हम गैस को बंद करेंगे। जब इतनी क्वांटिटी में आपका मिक्सचर रह जाए तब आप गैस को बंद कर दें। और ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जो साइड साइड में मलाई लगी हुई है इसको कुरच कुरच के दूध के अंदर मिक्स कर लें, क्योंकि असली टेस्ट तो ये मलाई देने वाली है। थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें और जो चम्मच पे भी मलाई लगी है इसको भी हम कुरच कुरच के इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। मलाई को आपको साइड में चिपकाते जाना है, बीच बीच में उसको कुरच के दूध में मिक्स करते जाना है। इसको जमाने के लिए हमने लिए ये पानी वाले गिलास। आप चाय के जो डिस्पोजिबल कप आते हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर जिस गिलास में आप चाय पीते हैं वो भी ले लें, चाय के कप ले लें, या सारे मिक्सर को एक जगह किसी डब्बे में डाल के भी आप जमा सकते हैं, बाद को उसमें पीसीज में आप काट सकते हैं उसको। और ऊपर से हम थोड़े से पिस्ता डाल के इसको गार्निश करेंगे। ये पिस्ता हमने थोड़े से देर के लिए भिगो लिए थे, देखिए कितना अच्छा और भी ग्रीन कलर आ गया इसका। और इतने मिक्सर में हमारी 7 से 8 कुल्फी बनी थी, थोड़ा सा बच्चों ने ऐसे भी खा लिया है इसको गरम गरम। अब ऊपर से आप इस पे फॉइल पेपर लगा लगा के इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दें, कम से कम 3 से 4 घंटे, या आप ओवर नाइट रखें तो और भी अच्छे से ये सेट हो जाएंगी। थोड़ी देर के बाद आप इसमें ये जो आइसक्रीम की स्टिक्स होती हैं, 2-3 घंटे बाद इसमें ऊपर से फॉइल पेपर के ऊपर से ही इनको लगा दें, जिससे आसानी से आपकी निकल भी जाएंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, जमने के बाद आप इसके बीच में चम्मच डाल के भी इनको निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट एकदम क्रीमी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि निकलेंगी नहीं। और निकालते वक्त आप जो गिलास जिस बर्तन में आप इसको जमा रहे हैं उसको 2-3 सेकंड के लिए पानी में रखें, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है, और इस तरह से घुमा घुमा के इनको निकाल लें। ये देखिए
सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए रखना है, इस तरह से घुमाते जाना है। आप इसके बीच में चम्मच डाल के घुमा सकते हैं अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो। और हमारी बहुत ही मज़ेदार कुल्फी बनके तैयार हो गई है। मैं इनको गार्निश कर रही हूँ थोड़ी सी केसर और बचे हुए पिस्ता के साथ। एक आइसक्रीम को आप उठाएं और कटोरी में जो पिस्ता का पाउडर रखा हुआ है उसमें इसको रोल कर लें, फिर देखिए क्या मज़ा आने वाला है। इस तरह से वाव, बहुत ही टेस्टी, एकदम क्रीमी मलाईदार हमारी कुल्फी बनके तैयार हुई है। और देखिए कितना आसान है इन कुल्फी को बनाना। अब आप भी इन सर्दियों में जब आपका कुल्फी खाने का दिल कर रहा है तो आप अपने घर पे इनको ज़रूर बना के खाएं। और क्रीमी देखिए कितनी बनी हुई है, ये आराम से काटी जा रही हैं। सारी कुल्फियों को हम इसी तरह से रोल कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी हमारी, एकदम मज़ेदार, मार्केट से कहीं ज़्यादा बढ़िया और सस्ते में ये कुल्फ़ी बनके तैयार हो गई है। सिर्फ़ 1 लीटर दूध में आप 8 कुल्फ़ी बना सकते हैं। अगर आप पूरा गिलास भर के भी बनाएंगे तो आपकी 5 तो आराम से बनी जाएंगी। क्या लुक आया है, क्या टेक्सचर आया है हमारी कुल्फ़ी का। जो पूरी उम्मीद है कि आज की मेरी कुल्फ़ी की रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फीडबैक मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। और ये बहुत देर तक मेल्ट भी नहीं होती है। देखिए क्या ज़बरदस्त कुल्फ़ी बनी है। अब हम तो कुल्फ़ी इनको एंजॉय कर रहे हैं, आप भी बनाइए, खाइए, अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत जल्द मैं आप सबसे मिलूंगी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपने इनको एक बार बना लिया तो बार बार बना के खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए फिर कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।